हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए दो स्पेशल सब्जियां। एक है आलू मखाना दही वाली स्पेशल सब्जी और दूसरी हम बनाएंगे तिल आलू की सब्जी। लेट्स बिगिन। नवरात्रि स्पेशल या व्रत स्पेशल आलू मखाने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आलू बॉईल करके छील करके उसको पीसेस में कट करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने 10 से 15 मखाने लिए हैं, एक चम्मच मावा लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं या घर में दूध से भी आप गाढ़ा करके मावा बना सकते हैं। 10 से 15 काजू मैंने रोस्ट करके मिक्सी में चला लिया है, ग्राइंड कर लिया है। हरी मिर्ची हम इसमें यूज करेंगे, काली मिर्ची, सेंधा नमक, 1/4 कप दही और मलाई 2 चम्मच। ये घर में जो दूध में मलाई निकलती है वही मैं यूज करूंगी। जीरा ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में खाते हैं जीरा तो आप यूज करें, अदरवाइज बिना जीरा के भी आपकी सब्जी काफी टेस्टी बनेगी। हरा धनिया हमने बारीकी से काटा हुआ है और आज सब्जी हम घी में बनाएंगे क्योंकि व्रत में कई लोग घी ही खाते हैं, तेल नहीं खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं सब्जी हमारी आलू मखाना स्पेशल। पैन में मैंने 1 चम्मच घी रख दिया है गरम होने, इसको मेल्ट हो जाने देते हैं। घी हमारा मेल्ट होने लगा है, मैं इसमें जीरा डाल दे रही हूँ। अगर आप व्रत में खड़े मसाले भी खाते हैं, लौंग, तेज पत्ता, सिनेमन, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं बारीक कटी हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची आप अपने स्पाइस टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसमें मैं मिला रही हूँ दही, इसको कंटिन्यूअसली स्टर करते जाइए, दही कर्डल हो जाता है नहीं तो फट जाता है। दही में हम मिलाएंगे काजू का पेस्ट पाउडर जो हमने कर रखा है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काजू हमने पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद हमने मिक्सी में पीस लिया है उसे। इसी तरह से मखाने भी हमने ड्राई रोस्ट करके लिए हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी मलाई, 2 चम्मच मलाई मिला रही हूँ मैं। 1/2 चम्मच इसमें हम मावा मिला रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मावा ऑप्शनल है एकदम, मैं डाल रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैं मिला रही हूँ आलू और मखाने। मखाने हमने ड्राई रोस्ट किए हुए हैं, थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 1/2 कप पानी और इसे बॉईल हो जाने देते हैं। इसमें हम मिलाएंगे नमक स्वादानुसार, सेंधा नमक मैं मिला रही हूँ, काली मिर्ची मिलाएंगे, हम हरी मिर्ची भी इस्तेमाल किए हैं इसलिए 1/4 चम्मच से कम मैं काली मिर्ची डाल रही हूँ। अब इसे ढककर हम 1 मिनट तक कुक होने देते हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी लग रही है, पर मिक्स करके आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पानी मैं थोड़ा थिक ही रखूंगी। इसमें अब हम मिला लेते हैं हरा धनिया बारीकी से काटा हुआ, फ्लेम हम ऑफ कर दे रहे हैं। नवरात्रि स्पेशल या व्रत स्पेशल आलू तिल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आलू को बॉईल करके रखा है। बॉईल करके मैंने इसे छील कर अच्छे से पीसेस में कट कर लिया है। रोस्ट करके यहाँ पर हमने मूंगफली लिया है, 1 चम्मच में मूंगफली यूज करूंगी। हरी मिर्ची हम अपने टेस्ट अकॉर्डिंग यूज करेंगे, मैं 1 हरी मिर्ची इसमें डालूंगी। हरा धनिया मैंने रखा हुआ है गार्निश के लिए। यहाँ पे हम तिल यूज करेंगे, तिल हमने स्लाइटली रोस्ट किए हुए हैं, ड्राई रोस्ट, कोई घी या तेल हमने यूज नहीं किया है। 1 टमाटर को मैंने यहाँ पे प्योरी किया हुआ है। जीरा हम लेंगे और व्रत के लिए काम में आने वाला काली मिर्ची और सेंधा नमक। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी जीरा।
जीरा क्रैकल होने लगा है, इसमें मैं मिलाऊंगी एक हरी मिर्ची बारीकी से काटी हुई। इसमें मैं मिलाऊंगी तिल, थोड़े हमने ड्राई रोस्ट कर रखे हैं। एक चम्मच मैंने तिल लिया है, एक चम्मच हम डाल रहे हैं पीनट या ग्राउंड नट या मूंगफली दाने इन्हें कहते हैं, रोस्ट करके रखे हुए हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी टमाटर का प्योरे, एक टमाटर को हमने मिक्सी में अच्छे से चला लिया है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, टमाटर को कुक हो जाने देते हैं। टमाटर हमारा काफी अच्छे से कुक हो चुका है, अब इसमें हम मिलाएंगे हमारे बॉईल किए हुए आलू। इसमें मैं मिला रही हूँ 2 चम्मच पानी, आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको ज्यादा पतला चाहिए या थिक चाहिए, मैं थोड़ा थिक ही बनाऊंगी सेम ही। इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच में डाल रहे हूँ, 1/4 चम्मच हम काली मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, सबको मिक्स कर ले देते हैं। अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है हमारी सब्जी, काफी टेम्पटिंग, काफी अच्छा कलर भी आया है। व्रत की सब्जी है इसलिए हम ज्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, आप अगर नॉर्मल डेज में बना रहे हैं तो इसमें सब तरह का हल्दी मिर्ची गरम मसाला सब ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम धनिया से गार्निश कर लेंगे, फ्लेम अब ऑफ कर दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, रेडी हो गई है हमारी दोनों तरह की वराली व्रत स्पेशल सब्जियाँ, आलू मखाना दही वाली और हमारी तिल आलू की सब्जी। I hope you like this recipe. Please do like, share and subscribe my channel, Cook with the Best.